भगत रविदास जी के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित सिख कौम के चौथे तखत तखत श्री दमदमा साहिब विखे श्री अकाल तख्त साहिब अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दूजा कौमी दस्तारबंदी समागम करवाया गया। समागम दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बच्चे के खुद दस्तार बन के समागम की शुरुआत की। समागम दौरान मालवे तो 5,000 तो वध बच्चिया दे दस्तारा सजाईया गईया। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने तीजा समागम तखत श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब करन दा ऐलान कीता है। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने कहा कि समागम दौरान भावे 3100 बच्चियां नूं दस्तारा सजाउण दा टीचा सी, पर हजारां दी गिणती विच बच्चियां ने समागम विच शिरकत कीती है। इस दे नाल ही उन्होंने ऐलान किया कि तीजा दस्तार बंदी समागम तखत श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते कीता जाएगा। तलवंडी साबो तो अज की आवाज लई रंजीत राजू की रिपोर्ट। मैं समझदा जिस तरह अज पूरे मालवे की धरती तो वड्डी गिणती दे विच बच्चे अते बच्चों के मापे सिंह साहब की आवाज से पहुंचे है जो इन्होंने दूसरा कौमी दस्तारबंदी समागम रखे है। इतों पता लगता है कि किस तरह मापिया के बच्चों के मनों के चा सिखी प्रति जज्बा प्यार है अते उड़ीक रहे हैं कि कौम का कोई बड़ा आगू सानू आवाज मार के बुक्कल च लवे। असी समुची कौम श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब यानी हरप्रीत सिंह जी अते समुची श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के हर एक स्नेहे ते तत्पर हाँ, पर इहो जे वधिया उपराले वधिया कार्ज सानू मिलन। मैं समझदा मैं मालवा धर्म प्रचार कमेटी का सेवादार होने के नाते जो संस्था ने मैनू सेवा बख्शी है उस वालों समुची श्रोमणी कमेटी वालों समुचे मालवे वालों तख्त श्री दमदमा जोन वालों जिथे सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का धन्यवाद करते हैं उत्थे समुची बच्चों का समुचे मापिया का अते जिन्ने मालवे दे विचो साढ़े कोच साहबान दस्तारा नूं प्रमोट करने वास्ते काफ़ी पिछले 20 सालों तो 10 सालों तो पिंड पिंड जाके बच्चों के सिरां ते दस्तार सजा रहे हैं। उस समुचे कोच साहबान चाहे एक सिंह आया चाहे 500-200 सिंह आया वड्डी गिणती दे विच सैकड़ों की गिणती दे विच कोच साहबान आए हैं उन्हां दा वी धन्नवाद करते हैं। समुचियां पिंडां दीआं कमेटियां दा स्कूलों का कॉलेजों का अते इतों तक अमेरिका तो एक परिवार आया उन्होंने अनुसार 200 पग दस्तार सेवा की मौके पर आके अते दिल्ली तो परिवार ने पहला 3300 पग की सेवा की है जिथों पता लगता है कि साड़ी कौम दे विच भी सिक्खी प्रति चा लालसा जानन दी अते दानी पुरशां दे मनां दे विच भी चाह के कौम का कोई बड़ा आगू सानू आवाज देवे असी सेवा करने लिए तैयार हाँ। जिमें सिंह साहब ने कहा है कि आने वाले समय के भी होर उपराले जिमें तख्त श्री केसगढ़ साहब श्री आनंदपुर साहब विखे भी प्रोग्राम लिखा जाना है। अज के प्रोग्राम के जो साडे वालों प्रबंधकों वालों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों चाहे प्रबंध असी पूरे किए 3100 बच्चे दे अते फिर भी वड्डी गिणती दे विच बच्चे आए है कितना कितने कमियां रहियां होणगियां समुचे प्रबंधकों वालों भी समुचे संगत वालों माफ़ी मंगते हैं। उत्थे जो रह गए वह अज बच्चे रजिस्ट्रेशन करा जाण नाल आए है वो दस्तारा असीं पहुँचा देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਰਖਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ।